अब खबरें विस्तार से। बाबा गुरु घासीदास जी ने हमें जीने की कला सिखाई, यह उनकी सबसे बड़ी देन है जो हमें रास्ता दिखा रही है। उनके मूल्य सभी के लिए पथ प्रदर्शक है। यह बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुम्हारी में सतनाम समाज द्वारा आयोजित गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में कही। कुम्हारी में आयोजित बाबा गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया शामिल हुए और बाबा गुरु घासीदास के तैल चित्र पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने संबोधन में कहा कि गुरु घासीदास जी की जयंती हम प्रत्येक वर्ष उत्साह पूर्वक मनाते हैं। महापुरुष अलग अलग समय में जन्म लेते हैं और समाज को रास्ता दिखाते हैं। गुरु घासीदास जी ने कठोर तप किया और सत्य ही ईश्वर है का उद्घोष किया। गुरु जी ने मनखे एक समान का संदेश दिया। उनके संदेश की विशेषता थी कि यह सबको आसानी से समझ आ जाए। सत्य के मार्ग पर चलने से ही शांति आती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के हर वर्ग के लिए हमने कार्य किया है। यहाँ कुम्हारी का गौठान ही देख लें, कितना सुंदर है। साथ ही समूहों द्वारा आजीविका हेतु काम भी हो रहा है। इसके अतिरिक्त स्वामी आत्मानंद स्कूल के माध्यम से हम उन तमाम लोगों को भी अंग्रेजी शिक्षा उपलब्ध करवा रहे हैं जिनके लिए प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना बस एक ख्वाब था। उन्होंने कहा कि बाबा जी के संदेश छत्तीसगढ़ में है, उन्हें भी हम सब सहेज कर रखें। इसके लिए छत्तीसगढ़ी भाषा पढ़ाने का भी कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि कुम्हारी में जिस तरह से विकास कार्य हो रहे हैं वैसा कभी पूर्व में नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने समस्त सरकारी भवनों के जीर्णोद्धार के लिए 1,000 करोड़ रुपए की योजना बनाई है। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए हमने ITI के उन्नयन के लिए और यहाँ आधुनिक मांग के अनुरूप ट्रेड जोड़ने 1200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री ने कुम्हारी में सतनाम समाज के मंच के साथ ही अतिरिक्त भवन की घोषणा भी की। साथ ही युवाओं की मांग पर जिम के लिए आवश्यक सामानों की भी घोषणा की। वहीं मुख्यमंत्री ने इस मौके पर सेजेस के प्रतिभाशाली बच्चों को भी सम्मानित किया। आज गुरु पर्व है, गुरु घासीदास जी के जयंती, सारे लोग हर्ष उल्लास के साथ पूरे छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाहर भी मनाया जा रहा है। और आज जहां मुख्यमंत्री निवास में भी कार्यक्रम था, उसके बाद पेंशन बाड़ा, फिर लालपुर, अमर टापू, अब कुम्हारी, और उसके बाद सेक्टर 6 में भी कार्यक्रम है। तो लगातार सब जगह कार्यक्रम है और सभी जगह बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। कहाँ उसके लिए भी धन्यवाद, आप सबको बधाई, पूरे प्रदेशवासियों को, हमारे किसान, हमारे मजदूर, हमारी महिलाएं, बच्चों के लिए, सारे सबके लिए कार्यक्रम बना, उसका लाभ ले रहे हैं, सभी प्रदेशवासियों को बधाई। इस मौके पर जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री राजेंद्र साहू, नगर पालिका अध्यक्ष श्री राजेश्वर सोनकर, अश्विनी देश लहरे एवं समाज के पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता एवं नागरिक गण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कुम्हारी से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।